आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपका केमिस्ट्री से, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे अब तक, तो आज रासायनिक अभिक्रियाओं की कड़ी में ही तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं, इसी इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रिया से तात्पर्य यह है, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ का दूसरी क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। कहने का तात्पर्य, जब आपस में दो क्रियाकारकों का, अभिकारकों का जब आपस में रिएक्शन होता है, जब दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों में जो कम क्रियाशील पदार्थ होता है उसको वहां से विस्थापित कर देता है। कौन? जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है जिससे उसकी क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों का आपस में अभिक्रिया होता है तो उस समय दोनों अभिकारकों यानी क्रियाकारक पदार्थों में से कम क्रियाशील जो पदार्थ होता है, जो अभिकारक होता है, उसका विस्थापन जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कर देता है। कहने का तात्पर्य, उसको हटा करके, कम क्रियाशील पदार्थ को हटा करके जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो उसका स्थान स्वयं ले लेता है। एग्जाम्पल आप देखें, आपको ये रिएक्शन भली भांति समझ में आ जाएगा। रिएक्शन देखिए, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ CuSO4, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 कापर सल्फेट, कापर सल्फेट के विलयन में, एक्यूएस मतलब जलीय विलयन में, कापर सल्फेट के जलीय विलयन में, ये कापर सल्फेट का जो विलयन होता है ये नीले रंग का होता है, तो कापर सल्फेट के जलीय विलयन में जब आयरन की पत्ती डाली जाती है, आयरन की जब पत्ती डाली जाती है तो ये आयरन क्या करता है, कापर सल्फेट से क्रिया कर लेता है। और कापर सल्फेट से क्रिया करने, जैसे दो अभिकारक हो गए, ध्यान रखें, एक अभिकारक एक हो गया, एक अभिकारक एक हो गया। अब इसमें इन दोनों अभिकारकों में आप देखेंगे कि इसमें से Cu विस्थापित हो जाएगा, कौन करेगा, Fe अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहां रिएक्शन देखिए, CuSO4 प्लस Fe=FeSO4 प्लस Cu, यहां से Cu को विस्थापित कर दिया किसने, Fe ने, या Fe इसकी जगह ले लेता है और Cu को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि कापर जो है कम क्रियाशील है अपेक्षाकृत आयरन के, तो इसलिए आयरन अधिक क्रियाशील है। ये आयरन इस सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, कापर को यहां से हटा देता है, तो इस तरह से यहां आयरन सल्फेट का हरा रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है और कापर को इससे अलग कर देता है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गया। आप इसको हिंदी में लिखना चाहें और भी विस्तार से, हमने तो सिर्फ रिएक्शन लिख करके समझा दिया, इसी रिएक्शन से आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे, जब कापर सल्फेट के जलीय विलयन यानी कापर सल्फेट के नीले हरे जलीय विलयन से में जब आयरन की पत्ती डाली जाती है तो ये आयरन कापर सल्फेट में क्रिया करता है और इस विलयन से क्रिया करके इसमें का जो कापर होता है आयरन से कम क्रिया, इस कापर को विस्थापित कर देता है और आयरन उसकी जगह ले लेता है, तो कापर सल्फेट विलयन की जगह आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और कापर बाहर निकल जाता है, कापर को ये विस्थापित कर देता है। हिंदी में लिखना हो सेंटेंस तो इतना सारा सेंटेंस आप लिख सकते हैं सिर्फ इस एक लाइन के समीकरण से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 कापर
कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में ली, यहां पे हम आयरन, यहां पे हमने जिंक, तो जब जिंक की पत्ती डाली जाती है तो Zn CuSO4 plus Zn is equal to Zn SO4 plus Cu, यहां क्या हुआ, यहां जिंक क्रिया करता है कॉपर सल्फेट के विलयन से, और कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक Zn जब क्रिया करता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इस तरह से यहां कॉपर का विस्थापन हो जाता है, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा, जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से तो जिंक विस्थापित कर देता है, इस तरह की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे, जो अधिक क्रियाशील है वही विस्थापित करता है, और विस्थापित करने के बाद उसका स्थान स्वयं ले लेता है। आइए तीसरा देखिए एग्जाम्पल CH4, जब मेथेन की क्रिया CH4 मेथेन, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्लोरीन का एक अणु, यहां देखिए CH4 plus Cl2 is equal to CH3 Cl, यहां CH4 था लेकिन यहां क्या बचा, एक है, यहां पे दो था इसके साथ जुड़ गया, तो CH3 Cl plus HCl, इसमें क्या है, क्लोरीन का एक अणु, यहां पे हाइड्रोजन के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है, कहने का तात्पर्य क्लोरीन का, यहां से Cl2 है दो है, इसमें से एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो एक हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर देती है तो यहां से H आ जाता है HCl, यहां से दो था एक विस्थापित करती है तो एक स्थान इसका यहां पे H4 की जगह H3 बचता है और Cl इसका स्थान ले लेता है, तो यहां हो जाता है CH4 plus Cl2 is equal to CH3Cl मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मेथेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, यहां पे एस थ्री एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर क्लोरीन के साथ आ गया और जहां पे एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया था क्लोरीन, उस हाइड्रोजन की जगह अपना स्थान ले लेता है, तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है जब दो अभिक्रिया, जब अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक क्रिया कारक दूसरे कम क्रियाशील कारक को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, इस तरह की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में एकदम स्पष्ट है, कॉपर सल्फेट से आयरन की क्रिया कराई गई, कॉपर को विस्थापित कर दिया, आयरन उसकी जगह खुद ले लिया, CuSO4 था, Fe उसके साथ जुड़ जाता है तो FeSO4 हो जाता है और कॉपर को अलग कर देता है, बाहर कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, नाम से ही स्पष्ट है, कोई एक क्रियाशील अभिकारक दूसरे कम क्रियाशील अभिकारक को विस्थापित करके उसका जगह स्वयं ले लेता है और इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन हटाना, इसको यहां से देखो, आयरन कॉपर को यहां से हटा दिया, कॉपर के जगह खुद ले लिया, तो इसे हटाना कहते हैं, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।